नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है 16 है संस्कार। देखो दोस्तों, ये जो 16 संस्कार है इसे 16 संस्कार के नाम से भी जाना जाता था। ये 16 संस्कार आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यानी ये इतिहास से संबंधित आपके चैप्टर रहेगा। इतिहास में भी एक पाश्चात्य काल आता है जिसमें वैदिक काल आएगा। वैदिक काल में 16 संस्कार हुआ करते थे। इस 16 संस्कार में बच्चे के जन्म से लेकर, जन्म के गर्भ से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक जो भी कार्य किए जाते थे उन्हें 16 संस्कारों के नाम से जाना जाता था। देखो दोस्तों, अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो इस प्रकार से आ सकता है कि 16 संस्कार में से कोई नाम पूछ ले, निम्न में से कौन सा 16 संस्कार है या निम्न में से कौन सा नहीं है। आपको जब तक 16 के 16 नाम याद नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं बता सकते कि क्या है और क्या नहीं है। कई बार क्या होता है, आपको एक नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें क्या कार्य किया जाता था। जैसे दे दिया पुंसवन संस्कार, तो अब अपने को पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता था क्या नहीं होता था। कई बार सिचुएशन दी जाती थी कि बालक के जब बाल उतारे जाते थे यानी मुंडन किया जाता था तो इस संस्कार को किस नाम से जाना जाता था, तो अपने को संस्कार का नाम याद होना चाहिए। यानी अपने को सभी संस्कारों के नाम याद होने चाहिए, उनके काम याद होने चाहिए, तब जाकर अपने सिचुएशन बनती है कि अपने को जो आंसर रहेगा वो करेक्ट जाएगा। और ये 16 संस्कार है तो अपन ने इन 16 संस्कार को याद करने के लिए दो ट्रिक बनाई है, क्योंकि एक ट्रिक बड़ी लेंथी हो जाएगी 16 नाम में, इसका दो भागों में अपन ने डिवाइड किया है जिससे आसानी से याद रहे और लंबे समय तक अपने को याद रहे और याद होता चला जाए। आओ दोस्तों याद करते हैं कि किस प्रकार से अपने को 16 संस्कार याद होंगे। इसके लिए एक ट्रिक याद करते हैं, गप्पू सीमा जाना निया से चून लाना। देखो दोस्तों, सबसे आसान ट्रिक, एक बंदा था जिसका नाम था गप्पू। गप्पू तो वैसे याद हो जाएगा, कई एपिसोड आते हैं उसमें आता है गप्पू के पापा, गप्पू के पापा, गप्पू के पापा, गप्पू। और एक लड़की थी जिसका नाम था सीमा। इन दोनों को अपन ने कहा कि जाना। अब कहां जाना, एक बंदा है जिसका नाम है निया, उससे क्या लेकर आना, चूर्ण लेकर आना। क्या लेकर आना, चूर्ण। कितने प्रकार के चूर्ण होते हैं, तो अपन ने देखो दोस्तों ट्रिक बनाई और बहुत आसान ट्रिक है। क्या है कि गप्पू सीमा जाना, निया से चूर्ण लाना। और देखो दोस्तों ट्रिक बनती है, गप्पू सीमा जाना, निया से चूर्ण लाना, और अपने को याद हो गए हैं 9 16 है संस्कार कि 9 अपने शुरुआत में कौन कौन से थे। देखो दोस्तों, गैप और गर्भा धान, पूप और पुंसवन, सी फोर सीमांतो नयन, जा फोर जात कर्म, ना फोर नाम करण, नी फोर निस क्रमण, आप और अन्न प्रासन्न, चूप और चूड़ा कर्म, और नैप और कर्ण छेदन। देखो दोस्तों, शुरुआत में आते हैं ये 9 संस्कार। अब क्वेश्चन ये आता है, पहले तो अपने को संस्कार के नाम याद होने चाहिए, फिर अपने को यह पता होना चाहिए कि संस्कारों में क्या क्या काम होता है। देखो दोस्तों, केवल क्लियर देखते हुए चलो, अभी और इसी समय आपको लगभग सारे संस्कार याद हो जाएंगे। गर्भ यानी गर्भ धारण करने के लिए, पहली बार संतान प्राप्ति के लिए, गर्भ प्राप्ति के लिए जो भी संस्कार किए जाते थे, चाहे यज्ञ हो, कोई पूजा पाठ हो, किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर हो, उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता था। नॉर्मली बात, गर्भ प्राप्त करने के लिए गर्भाधान। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये पू से स्टार्ट हो रहा है,
और पूर्व से पुत्र प्राप्ति के लिए, यानी स्पेशली फॉर पुत्र प्राप्ति के लिए जो संस्कार यज्ञ आदि किए जाते थे उन्हें पुंसवन संस्कार के नाम से जाना जाता था। और पुत्र को यहीं से देख लेना, पूफ और पुंसवन, पूफ और पुत्र। नेक्स्ट नंबर तीन, सीमांतोनयन, गर्भ की रक्षा के लिए जो भी बच्चा आ गया है उस पर बाहर की कोई भी अपोजिट पावर प्रभाव ना कर सके या उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, यानी उसके लिए एक सीमा बनाई जाती थी, एक बॉर्डर बनाई जाती थी कि कोई बाहरी पावर उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इस प्रकार से उसकी सुरक्षा के लिए एक सीमा बनाई जाती थी, इसको सीमांतोनयन संस्कार कहा जाता था। गर्भ की रक्षा के लिए जो संस्कार होता था, सीमा बनाई जाती थी, सीमांतोनयन संस्कार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखो दोस्तों, जात यानी जन्म। जब उस बच्चे का जन्म होता था तो जन्म होने पर जो भी यज्ञ पूजा पाठ जो भी हुआ करता था उसको जात कर्म संस्कार के नाम से जाना जाता था। देखो दोस्तों, जात यानी जन्म, या आप नहीं याद रहे तो जयपुर जात, जयपुर जन्म। नेक्स्ट नामकरण, ये तो नॉर्मली है, नाम रखा जाता था उसका। जब उस बच्चे का नाम रखा जाता था तो जो संस्कार किया जाता था उसको नामकरण संस्कार कहा जाता था। निष्क्रमण, बाहर भ्रमण। देखो दोस्तों, जब बच्चा होता तो कुछ समय बाद में उसको घर के बाहर भ्रमण करवा के लाया जाता था, जिससे बाहरी वायु सूर्य का प्रकाश उसकी त्वचा को लगे और उसकी त्वचा थोड़ी परिपक्व हो। क्लियर? तो इस कारण उसको बाहर घुमा कर लाते, इस संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था। अगर ना याद हो तो देखो, भ्रमण से क्रमण याद हो जाएगा, तो बाहर की ओर क्रमण यानी बाहर की ओर भ्रमण, निष्क्रमण संस्कार। अन्न प्राशन, यहीं से पता चल रहा है, पहली बार उसे अन्न खिलाया जाता था। तो पहली बार जब उसे अन्न खिलाया जाता तो उसे अन्न प्राशन संस्कार के नाम से जाना जाता था। देखो दोस्तों, चूड़ाक्रम, इस चूड़ाक्रम को मुंडन संस्कार के नाम से भी जानते हैं, यानी पहली बार उस बालक के बाल हटाए जाते थे, बाल उतारे जाते थे, इसे मुंडन भी कहते हैं। तो बालक का पहली बार जब मुंडन करवाया जाता था तो इसे चूड़ा कर्म संस्कार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कर्ण छेदन, साफ पता चल रहा है, जब उसके कर्ण यानी कान छेदे जाते थे, पहली बार जब कान छेदे जाते थे कोई भी कुंडल कवच किसी भी चीज के लिए, तो उसे कर्ण छेदन संस्कार के नाम से जाना जाता था। ये होते हैं देखो दोस्तों अपने नौ संस्कार। इसके लिए केवल और केवल एक ट्रिक याद होनी चाहिए, वो ट्रिक है गप्पू सीमा जाना, निया से चोन लाना, गैप और गर्भाधान, पूप और पुंसवन संस्कार, सीमा फोर सीमांतोनयन संस्कार, जाप और जातक्रम संस्कार, नाप और नामकरण संस्कार, नीप और निष्क्रमण संस्कार, आप और अन्य प्रासन्न संस्कार, चूप और चूड़ा कर्म संस्कार, और अणप और कर्ण छेदन संस्कार। जब गर्भ की प्राप्ति के लिए कोई संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई संस्कार होता पुंसवन संस्कार, उसकी सुरक्षा के लिए कोई संस्कार होता तो सीमांतोनयन संस्कार, जन्म लेने पर जो संस्कार होता उसे कहते हैं जातकर्म संस्कार, नाम रखने पर जो संस्कार होता उसे नामकरण संस्कार, निष्क्रमण बाहर घुमाने पर जो संस्कार होता उसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता था, अन्न खिलाने पर जो संस्कार होता उसे अन्न प्राशन्न संस्कार कहा जाता था, मुंडन करने पर या बाल उतारने पर जो संस्कार होता उसे चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता था, और कानों को छेदने पर जो संस्कार होता उसे कर्ण छेदन संस्कार या कान छेदने का संस्कार कहा जाता था। इस प्रकार से देखो दोस्तों, ये नौ संस्कार होते थे गर्भ से लेकर आगे के प्रोसीजर तक। अपने को पहले तो इनके नाम याद होने चाहिए, फिर इनका प्रोसीजर याद होना चाहिए कि किस संस्कार में क्या काम होता था, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है, निम्न में से कौन सा 16 संस्कार है कौन सा नहीं। जब तक अपने को नाम याद नहीं रहेंगे अपन बता नहीं सकते कि कौन सा 16 संस्कार है कौन सा नहीं। दूसरा, अपने से को प्रोसीजर याद होना चाहिए, अपने से पूछा जाता है कि किस संस्कार में क्या काम किया जाता था या ये काम किस संस्कार में किया जाता था। तो जब तक सभी संस्कारों के काम नहीं पता होंगे तब तक नहीं हो सकते, और यह सबसे आसान तरीके से काम याद करने का तरीका है। अब बचे हैं 7 संस्कार, वो देखते हैं उनमें क्या काम होता था, किस प्रकार से होता था। और देखो दोस्तों, अब याद करते हैं अपन ट्रिक नंबर 2। इसके लिए देखो दोस्तों, विद्या उस वेद के साथ
विवाह में आना। देखो दोस्तों, अपना जो पहली ट्रिप थी उसमें अपन ने कहा था गप्पू सीमा जाना और जो भी निया है उससे चोरण लेकर आना, वहां तक क्लियर है। दूसरी में एक और लड़की थी जिसका नाम था विद्या, नहीं याद हो तो विद्या बालन से याद रख लेना। तो विद्या एक लड़की थी, उसको कहा आपको शादी में आना है, लेकिन उस वेद एक लड़का था उस वेद के साथ हमारी शादी में जरूर जरूर आना है, क्लियर। तो देखो दोस्तों अपन ने इन्विटेशन दिया और कैसे दिया विद्या बालन को भी, वो देखो विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना, और अपन ने क्या कहा विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना, और ये होते हैं ओवरऑल सारे संस्कार कंप्लीट। कैसे देखो दोस्तों विद्या फोर, ये होता है आपका दसवां, विद्या रंभ संस्कार। उसके बाद में देखो दोस्तों ऊ है उप नयन संस्कार। फिर देखो दोस्तों वेद है वेद रंभ संस्कार। उसके बाद में देखो दोस्तों के है के शांत संस्कार। उसके बाद में देखो दोस्तों स है समावर्तन संस्कार। उसके बाद में देखो दोस्तों विवाह है विवाह है संस्कार। उसके बाद में देखो ए है और यह होता है अंतिम अंत्येष्टि संस्कार, और यह होते हैं दोस्तों अपने पूरे 16 है संस्कार। अब देखना है इन संस्कारों में क्या क्या काम होता है। देखो दोस्तों दसवां संस्कार है विद्या रंभ, नाम खुद ही बोल रहा है, जब भी बच्चे की विद्या प्रारंभ की जाती है तो प्रारंभ करने पर जो भी संस्कार होता था उसे विद्यारंभ संस्कार के नाम से जाना जाता है। यहां बस इसको ध्यान रखना उपनयन संस्कार, यानी जब बच्चे को यज्ञोपवीत पहनाई जाती तो यज्ञोपवीत पहनाने पर जो संस्कार होता उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। अब बात आती है यज्ञोपवीत होती क्या है, इसे नॉर्मली भाषा में जनेऊ कहा जाता है, जो अपन धारण करते हैं उस जनेऊ को यज्ञोपवीत कहा जाता था। जब भी विद्या दी जाती उससे पहले यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जरूर पहनाई जाती, इसे उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता। जब उसको थोड़ी बहुत शिक्षा आ जाती किसी प्रकार से वो कुछ पढ़ लेता तो उसके वेद प्रारंभ किए जाते, इसे वेदारंभ संस्कार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखो दोस्तों केशांत, अंत में भिक्षा मांगने के लिए सबसे पहले उसको केशों का अंत किया जाता था, यानी फिर से मुंडन करवाया जाता, बाल हटाए जाते, इस मुंडन संस्कार को केशांत संस्कार कहा जाता था। जब वो पूरी जिंदगी में या 18 वर्ष तक 24 वर्ष तक जितना भी वो समय रहता उसमें पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेता, और जब शिक्षा प्राप्त करके घर पर आता है तो उसको समावर्तन सरकार का यानी समावर्तन संस्कार कहा जाता था। सम यानी समाप्त, शिक्षा की समाप्ति पर, शिक्षा की समाप्ति पर जो संस्कार किया जाता था उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता था। नेक्स्ट देखो दोस्तों विवाह है सबसे फेवरेट संस्कार, विवाह जब होता जो संस्कार होता उसे विवाह संस्कार कहा जाता था, और विवाह के बाद में वैसे भी जिंदगी कुछ ही नहीं बचती, अंत्येष्टि मर जाता है, तो जब दाह होता था मृत्यु होती थी उस समय जो संस्कार किया जाता उसे अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार के नाम से जाना जाता था। और ये होते हैं देखो दोस्तों अपने पूरे के पूरे 16 है संस्कार। देखो दोस्तों पहले तो अपन ने 9 याद कर लिए थे फर्स्ट ट्रिक से, सेकंड ट्रिक है विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना, हमारी शादी में जरूर जरूर आना। विद्या फोर विद्यारंभ संस्कार, उप फोर उपनयन संस्कार, वेद फोर वेदारंभ संस्कार, के फोर के शांत संस्कार, सैफ और समावर्तन संस्कार, विवाह फोर विवाह संस्कार, एफ और अंत्येष्टि संस्कार। विद्या जब प्रारंभ होती तो इसे विद्यारंभ संस्कार कहा जाता था, उपनयन जब उसे जंदेऊ पहनाई जाती तो इसे उपनयन संस्कार कहा जाता था, उपनयन जंदेऊ पहनने के बाद में
जब वेदों की शिक्षा प्रारंभ की जाती तो इसे वेदारंभ संस्कार कहा जाता था, उसके बाल हटा दिए जाते, उसको गंजा कर दिया जाता तो इसे मुंडन संस्कार या केशांत संस्कार कहा जाता था। जब वो शिक्षा पूरी कंप्लीट कर लेता तो समाप्त करके समाप्त शिक्षा समाप्त करके घर जाता तो इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता। घर जाने के बाद में उसकी शादी होती तो इसे विवाह संस्कार कहा जाता था, और अंत में जब मृत्यु हो जाती है, दाह संस्कार हो जाता है, तो उसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। इस प्रकार से देखो दोस्तों, अपने 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में ये काम होते हैं। आपको ओनली 4 अगर दो ट्रिक याद है, गप्पू सीमा जाना, निया से चूर्ण लाना, विद्या उस वेद के साथ विवाह में आना, अगर ये दो ट्रिक भी याद है तो आपको आपकी इंडिया के ओवरऑल 16 संस्कार याद हैं, और 16 संस्कार में क्या क्या काम होते हैं केवल इनके नाम के आधार पर याद हैं। अगर आपने 5 मिनट भी इसको गौर से देखा, आपको ओवरऑल सब चीज याद हो जाएंगी, और ये होते हैं अपने 16 संस्कार। धन्यवाद।